नमस्कार किसान भाइयों, आज मैं वाराणसी के मंडलीय साग भाजी मेले में आया हुआ हूं। ये आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का क्षेत्र है और यहां से देश को एक दिशा दी जा रही है और ये समूह की हमारी एक बहन है। अपना जरा परिचय दीजिए। नमस्कार, मैं ममता पटेल हूँ। मैं माँ सरस्वती स्वयं सहायता से ये समूह चलाई हूँ और मेरा गांव काशीपुर उदार है और पिंडरा और वाराणसी। ये स्वयं सहायता समूह चलाती हैं और क्या क्या काम करती हैं? हम अपना खेती बाड़ी करते हैं और उसके साथ साथ मधुमक्खी पालन का काम करते हैं। अच्छा, ये खेती बाड़ी भी करती हैं और साथ में मधुमक्खी पालन का भी काम करती हैं। मधुमक्खी पालन का काम क्यों करती हैं? इससे हमें बेनिफिट मिलता है। शहद भी बेचते हैं, मोम भी बेचते हैं, शहद भी बेचते हैं और मधुमक्खी भी बेचते हैं और इनके पर परागण से जो खेती होती है सरसों की, तेलहन की, ये सब की, इससे पैदावार उनका सवा गुना हो जाता है। बहुत अच्छा। अब मैं आपके सामने ये यहाँ पर इनके प्रशिक्षक खड़े हुए हैं, ये अपना परिचय देंगे और परिचय के साथ ये देशवासियों को बताना चाहेंगे मधुमक्खी पालन के बारे में कि मधुमक्खी पालन किसान क्यों करे। नमस्कार, मैं उमेश कुमार सिंह। ये जो समूह बना था 2006 में बना था और ये बहुत ही सफल। आप अपना पूरा परिचय दीजिए। मैं उमेश कुमार सिंह, मैं वाराणसी तेलियाबाग का निवासी हूं। मैं लगभग 25-26 वर्षों से प्रशिक्षण के साथ साथ मधुमक्खी पालन का भी काम करता हूं और जिस समय ये समूह बनी थी वो 2006 में बनी थी और उस समय उद्यान विभाग के जो महानिरीक्षक थे हीरालाल पटेल जी, वो और हम ने मिलकर इस समूह का एक तरह से जो है ये शुरुआत हुई थी बनारस में मधुमक्खी पालन का और एक तरह से समूह का ये सबसे पहला मौन पालन में ये समूह ऑर्गेनाइज हुई थी जिसमें ममता जी का काफ़ी सहयोग था, साथ में इनके सहयोगी थी विक्रमा जी और उस समय जो है ये समूह काफ़ी सफल भी रहा और आज के भी समय में ये समूह जो है अच्छे नतीजे दे रहे हैं। मधुमक्खी पालन किसान क्यों करे? मौन पालन करने से देखिए, एक तो आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो जाएगी, एक आपको अतिरिक्त लाभ मिलने लगेगा और साथ में जो है जो सबसे ज़्यादा अप्रत्यक्ष लाभ हमको होता है फसलों में, हमारे सब्जियों में, फलों में, वो 15-40% तक के हमारी उत्पादन बढ़ जाती है। इसलिए हमारे देश की आर्थिक स्थिति में आपके आर्थिक सुधारों के साथ साथ उत्तरोत्तर लाभ पहुंचता है। इसलिए हम तो सभी उन किसान भाइयों से मैं चाहूँगा कि वो जो है मधुमक्खी पालन करें और अपनी आय जो है दुगनी करने के एक सबसे अच्छा साधन मौन पालन है। उमेश जी सबको प्रोत्साहित करते हैं मधुमक्खी पालन के लिए। ये मधुमक्खी पालन का एक ये बक्सा भी यहाँ पर लाए हुए हैं और इसमें आप देखिए मधुमक्खी के अंडे भी आपको दिखाई पड़ रहे हैं, हैं? और अंडों की चारों तरफ लेबर मक्खियाँ घूम रही हैं, हैं? जो इसके बंद दिखाई पड़ रहे हैं उसमें क्या चीज़ बंद करके रखी हैं, उमेश जी बताएं। इसको जरा सा दिखाते हुए आप बताएं। डिब्बे के अंदर जो अंडे हैं, जो आप देख रहे हैं ये जो शील्ड दिखाई दे रहा है, जो सेल बंद है, हाँ, ये प्यूपा अवस्था है, हाँ, लार्वा अवस्था के बाद प्यूपा अवस्था आता है, हाँ, और ये जो है एक तरह से आप कह लें सुसुप्ता अवस्था, हाँ, इसमें बच्चों का जो है पूर्ण रूप में विकास होता है, हाँ, और ये पूर्ण रूप में जब हो जाते हैं तो 21वें दिन ये स्वयं चल के बाहर आ जाते हैं, हाँ, और इस तरह वो मधुमक्खी पैदा होने और बाहर बन जो ही सामने आती है इस संसार में उसी समय से वो अपना काम शुरू कर देती है। ये एक मधुमक्खियों का विशेष गुण है। बहुत अच्छा आपने बताया उमेश जी पूरे बनारस में ही नहीं अन्य जिलों में भी जा करके किसानों को प्रशिक्षण दे रहे हैं
सबसे बड़ा लाभ यह है प्रत्यक्ष रूप में या परोक्ष रूप में कि किसान सूखे का, पाला का, अतिवृष्टि का तमाम तरह का नुकसान ग्रहण करता है, पाता है और खुद मेहनत करता है, लेकिन मधुमक्खी पालन करने से लाखों मक्खियां वो जाकर के तमाम 2 किलोमीटर के रेंज में जाकर के मधुम वो शहद और पालन और नेक्टर और पालन इकट्ठा करती हैं और पालन से तमाम तरह की दवाइयां बनती हैं। अब आप सोच लीजिए किसान भाइयों, आप मेहनत करते हैं उसका फल तो आपको प्राप्त होता ही है, इनके उपस्थिति से आपके फसल का उत्पादन 1.25 गुना और 1.5 गुना हो जाता है, साथ में लाखों मक्खियां जो काम कर रही हैं इनके द्वारा इकट्ठा शहद भी आप निकाल करके आप बेचते हैं, यही आपका अतिरिक्त लाभ है। इस यह काम अगर करते हैं तो आम का आम गुठली के भी दाम आपको मिलेंगे। और बहुत अच्छा उमेश जी, आप जो काम कर रहे हैं बहुत सराहनीय काम कर रहे हैं, इसके लिए हम धन्यवाद कहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।